तो अभी निकलते हैं हॉस्टल की तरफ। फातिमा एंड यू नो अभी खराब बस खराब बस ना ये खुशमज़ा तो ये ना कौन खुशमज़ा। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वंस अगेन फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ यस्त। अभी इवनिंग के टाइम मैं हॉस्टल से निकला हूँ और इधर ही पास में एक बहुत ही खूबसूरत और यस्त की एक यूनिक मस्जिद है वो विज़िट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वैसे आज मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, क्लाउडी वेदर है। कल तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी थी मगर आज थोड़ा बारिश हुआ है, मौसम बहुत अच्छा है। अभी हॉस्टल से निकला हूँ, यहाँ पास में ही मस्जिद है, अभी वो जाके विज़िट करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यज़्द की जामे मॉस्क और ये मस्जिद फेमस ही अपने इन दोनों मीनार की वजह से है और इसका जो यूनिक जो टाइल वर्क इसका जो पर्शियन आर्किटेक्चर में किया गया है वो तो इसका और जो ब्यूटी है वो और दोबाला कर देती है। अभी आपको दिखाते हैं इस मस्जिद की खूबसूरती क्योंकि इस पर जो टाइल वर्क किया गया है इस पूरे मस्जिद में दैट्स इनक्रेडिबल। अगर हम इस मस्जिद की हिस्ट्री देखें तो ये बहुत पुरानी है, अराउंड 800 साल की इसकी हिस्ट्री है। 800 साल पहले ससनिड एरा में इसको बनाया गया था। इसको इसकी ब्यूटी है जो इसका टाइल वर्क है जो कि पर्शियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अभी ये मस्जिद का एंट्रेंस है, यहाँ पे अभी इसको अंदर से जाके देखते हैं। मस्जिद के अंदर इन्होंने जो ये ईरानी कारपेट बिछाई हुई है ये बनती भी इधर ही यज़्द में ही है। यज़्द फेमस सी कारपेट बनाने की वजह से है, ये सारे कारपेट से इधर ही यज़्द में ही बनती हैं, बिल्कुल ईरानी डिज़ाइन के हैं। मॉस्क विज़िट कर लिए, इसके साथ एक बाज़ार भी है, अभी वो जाके विज़िट करेंगे। कुछ इस तरह की इंट्रेंस है यहाँ की, ये एंट्रेंस। मॉस्क से निकलते ही मैं यहाँ पे साथ में मार्केट में आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं। एक कैफे से मैंने यहाँ से यज़्दी फालूदे ऑर्डर किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टलेस है। मैंने ट्राई तो किया है मगर अभी उसी तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने बिल्कुल एक दो सिप लिए मगर बिल्कुल भी इसमें टेस्ट नहीं है, तो ये अभी वापस करते हैं और थोड़ा इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ गर्ल्स खड़ी हैं और इन्होंने ये कह रही हैं कि हमें दे दो, ये खैर ये अभी उनको देते हैं। टेक योर फालूदे ना चलो खैर खुशमज़ा नो ये खराब बस खराब बस ना ये खुशमज़ा तो ये ना कौन खुशमज़ा यार ये कौन कौन जाइए पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान मैंने ना किया दिल साक्ष यार एक तो मैंने तो खुद कुछ खाया नहीं तो इन्होंने कहा कि हमें दे दो, तो बस इनको ही मैंने फालूदे दे दिया क्योंकि वैसे भी टेस्टलेस थी, बिल्कुल उसमें टेस्ट थी ही नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से अपने हॉस्टल की तरफ। सही जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे बंदा बैठ के कुछ वैसे ही इंजॉय कर सकता है। तो अभी इस मार्केट से निकलते हैं और यहाँ सामने ही बिल्कुल
हमारे है जामे मस्क, वो हमने विजिट कर ली, तो अभी निकलते हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ की गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा। अभी इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रही, कह रहे आ जाओ कि आ जाओ हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करो इस जगह को। इन तीनों के पास साइकिल है। वैसे फारसी तो मुझे आती नहीं, इंग्लिश इनको आती नहीं। अभी अभी उनसे जान छुड़वा कि मैं निकला हूँ। वहाँ पे देखा मुझे, मैं वो यजदी फालूदा ट्राई कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टलेस थी, तो उसके बाद ही मेरे पीछे पड़ गई कि यहाँ पे आप कहाँ से आई हो, क्या कर रहे हो, हमारे साथ चलो एंजॉय करो, यस को एक्सप्लोर करो। मगर अभी अभी जान छुड़ाई है उनसे, अभी यहाँ से चलते हैं अपने हॉस्टल। जामे मस्क को विजिट करके मैं सीधा गया था हॉस्टल, और अभी मुझे एक कपल ने इनवाइट किया है कि इस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। अभी अराउंड रात के 8 बज रहे हैं, तो अभी उनसे मिलते हैं। यहाँ पे मैं वापस आया था जिन कपल से मिलने, रसूल एंड नादिया, इनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया। And Rasul, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you. Have a good time. Thank you. I hope you have a good time in Iran and in other cities, in thank other places. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. मैं रिकॉर्ड करना चाहता था मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वैसे ही हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया। तो इस व्लॉग को मैं इधर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।